हे गाइस, तो आज हम यहाँ पे जो डेजर्ट यानी स्वीट डिश जो बना रहे हैं वो इतनी इजी है ना कि बच्चे भी उसे बना लेते हैं और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि अगर आप ये बनाओगे ना तो और कोई स्वीट डिश आपको अच्छी नहीं लगेगी, उतनी टेस्टी लगती है ये खाने में। इतनी इजी स्वीट डिश बनाना तो ज़रूर बनता है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो ये डेजर्ट हम ट्रॉपिकल का व्हिपिंग क्रीम यूज़ करके बना रहे हैं। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल नहीं है तो भी आप बना सकते हो, मतलब अमूल क्रीम तो सब जगह पे अवेलेबल होता ही है, तो वो अमूल क्रीम यूज़ करके आप बना सकते हो। लेकिन अगर अमूल का क्रीम यूज़ कर रहे हो ना तो आपको उसके अंदर वेनिला एसेंस डालना होगा और थोड़ी सी शुगर भी डालनी होगी। अभी जो व्हिपिंग क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वेनिला एसेंस एंड शुगर होता ही है, इसीलिए मैंने नहीं डाला। 1/4 कप दूध डाला है और इस तरीके से हम उसको व्हिप कर रहे हैं। व्हिप हमें वो अच्छा सा ठीक हो जाए तब तक व्हिप करना है। ये ना बहुत ही टेस्टी लगता है, मतलब वेनिला एसेंस की वजह से जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये अगर रेडीमेड व्हिपिंग क्रीम यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से ठीक हो चुका है, बस इतना ही ठीक करना है, मतलब केक पे जो हम क्रीम लगाते हैं उतना ठीक नहीं करना है इसे। तो ये क्रीम रेडी है हमारा। अब यहाँ पे मैंने बनाना लिया है, चीकू लिया हुआ है, एप्पल, ग्रेप्स एंड पेमोग्रेनेट। अब ये फ्रूट्स ना आप अपनी पसंद से ले सकते हो, मेरे पास जितने फ्रूट्स अवेलेबल है वो फ्रूट्स लिए हैं मैंने। तो ये फ्रूट्स हम क्रीम के अंदर डाल देते हैं। थोड़े से हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, ड्राई ग्रेप्स ली है मैंने, किशमिश ली है, थोड़ी सी बादाम और केसियू को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के ले लिया है। तो ये ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन इसके साथ बहुत ही बढ़िया जाएगा, मतलब बहुत टेस्टी लगेगा ये। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम। तो ये क्विक डिलीशियस डेजर्ट बनके रेडी है। अब उसे सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया हुआ है, उसके अंदर मैं इसे पो कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ठीक सा क्रीम शैलार बनाया है हमारा, ये सच में बहुत टेस्टी होता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।